बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आ रही है। विदर्भ की 3 सीटों पर महाविकास अघाड़ी में पेच फंसा के ये कहा जा रहा है। विदर्भ की 3 सीटें जाती है उद्धव की पार्टी और 3 सीटों से कम उद्धव गुट को मंजूर नहीं है ये कहा जा रहा है। सूत्र बता रहे नाराजगी को लेकर राज्य कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आपको दे रहे हैं। इसी पर गणेश ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। गणेश, अब ये विदर्भ की 3 सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में कहा जा रहा है पेच फंसा हुआ है, क्या है अंदर की खबर? जी बिल्कुल, देखिए मेरी बात हुई है उद्धव ठाकरे गुट के बहुत ही वरिष्ठ नेता से और उनका कहना है कि ये जो चीजें हो रही हैं वो सिर्फ 3 सीटों को लेकर बात अड़ी हुई है। लोकसभा के समय अमरावती और रामटेक ये 2 सीटें जो सिटिंग सीटें थी उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की वो कांग्रेस के लिए छोड़ी गई थी। 6 टर्म वहां से शिवसेना का उम्मीदवार चुन के आता था, वो हमने कांग्रेस के लिए छोड़ी। तो इस बार तो हमारी पार्टी विदर्भ में भी बढ़नी चाहिए, इस मुताबिक हम 3 सीटें मांग रहे हैं जो नाना पटोले देने को तैयार नहीं है। लेकिन इस पर बात हो रही है और कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, बहुत जल्द निकलेगा और आजकल में इस पर निर्णय लेकर सारी सीटों का फॉर्मूला और सीटें जल्द ही कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा और आजकल में तस्वीर साफ हो सकती है विदर्भ की इन 3 सीटों को लेकर जिस पर दावा ठोक रही है उद्धव की पार्टी। शुक्रिया आपका गणेश पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।